चर्चित एक्ट्रेस कंगना रनौत को आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से उम्मीदवार घोषित किया है। 2 अप्रैल को बलह में भाषण देते हुए अभिनेत्री ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण सुनिश्चित करने वाले महिला आरक्षण विधेयक के कारण उन्हें ये टिकट मिला है। विमेन रिजर्वेशन बिल जिसके तहत 30% महिलाओं को जो रिजर्वेशन मिली है उसके कारण आज मुझे ये स्टेज मिला है। आज उसके कारण आपकी मंडी की बेटी को ये स्टेज मिला है। इस बयान में किए गए दावे के बारे में ऑल्ट न्यूज ने जांच पड़ताल शुरू की। सर्च करने पर हमें महिला आरक्षण विधेयक के बारे में कई मीडिया रिपोर्ट्स मिली। 2023 की इस द हिंदू की रिपोर्ट में बताया गया है कि 20 सितंबर 2023 को लोकसभा के बाद राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक या नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इस बिल को खंगालने पर हमें पता चला कि इस बिल को जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद से लागू किया जाएगा। विधेयक पर बहस के दौरान लोकसभा में होम मिनिस्टर अमित शाह ने बताया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद से जनगणना और परिसीमन यानी निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद महिला आरक्षण कानून लागू होगा। परिसीमन में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, इसलिए जनगणना के बाद ही ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है। 2024 के चुनाव के बाद ही जनगणना शुरू होगी और इसके बाद ही निर्वाचन क्षेत्रों में बढ़ोतरी की जाएगी और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होगी, यानी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला ये बिल 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रभावी हो सकता है। यानी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा उम्मीदवार और अभिनेत्री कंगना रनौत ने झूठा दावा किया।